चुनाव का माहौल चल रहा है, क्या आपको डर नहीं लगता है कि इस तरीके की बातें आप कर रहे हैं कि हम लोगों को जागरूक करेंगे? देखिए, लोगों को जागरूक करना मेरा धर्म है। कोई भी काम जो है लोगों को जागरूक करना, गलत के खिलाफ बता, उनके अधिकारों को बताना कि आपका ये अधिकार है। आप समझ लीजिए कि कोई भी आदमी भ्रष्टाचार में जाना नहीं चाहेगा। आप ये समझिए कि एक आदमी को अगर ये मालूम हो जाए कि मसूर दाल का दाम ताजपुर में 2 रुपया कम है तो वो ताजपुर जाके सामान लेगा। चीनी का रेट मालूम हो जाए कि 1 रुपया कम है ताजपुर में तो वो चौक पर नहीं लेके ताजपुर में लेगा। तो आप जहाँ की जनता 1 रुपया बचाने के लिए ताजपुर जा सकती है, चौक पर सामान नहीं लेगी, अपने गांव मोहल्ले में नहीं लेगी, क्या आपको लगता है कि वो जनता 500 रुपया किसी को देगी? उसको ये नहीं पता है कि हमारा ये काम फ्री में होगा, हमारी मेहनत से, हमारे इससे, वो नहीं जान पाती है। उसको ये लगता है कि पैसा लगना ही है। इसी चीज़ को बदलना है, ट्रेंड को बदलना है। 1 रुपया बचाने के लिए हमारी आवाम ताजपुर जाती है? नहीं जाती है, बिल्कुल जाती है। 2 रुपये बचाने के लिए वहाँ जाती है, जाती है ना। तो जब 2 रुपये बचाने के लिए जनता हमारी ताजपुर जा सकती है, पूसा रोड जा सकती है, समस्तीपुर जा सकती है। लेकिन जिस रास्ते पे चलने की आप बात कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि जंग पूरा लगा हुआ है? देखिए, जंग लगा हुआ है तो उस पर सरेस कागज लगेगा, जंग हम छुड़ाएंगे, फिर उस पर पेंट होगा, एल्युमिनियम पेंट होगा, बिल्कुल चमचमाता हुआ समाज होगा हमारा। हम कोशिश करने में क्या जाता है, और जब कोशिश होगी तो वो जंग भी खत्म होगा। जो लोग 2 रुपया बचाने के लिए ताजपुर, पूसा रोड, समस्तीपुर जा सकते हैं, आपको ये नहीं लगता है कि वो लोग 500 और 1000 रुपया बचाने के लिए खुद से ब्लॉक जाना शुरू कर देंगे? वो लोग 500 और 1000 रुपया बचाने के लिए थोड़ा सा कदम बढ़ा सकते हैं? जब वो ताजपुर सामान लेने जा सकते हैं तो क्या वो ताजपुर नहीं जा सकते हैं अपने आवासीय के लिए, अपने आय प्रमाण पत्र के लिए? लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ आपसे कि वो ताजपुर नहीं जाएंगे क्योंकि RTPS काउंटर हमारे पंचायत भवन में ही खुलना चाहिए, और इसके लिए हम प्रयासरत भी हैं, और सरकार ने भी घोषणा की है कि हर पंचायत में RTPS काउंटर बहुत जल्द खुलने जा रहा है। जनता आपको वोट क्यों करे? आपने समाज के लिए क्या किया है ऐसा जो जनता आपको वोट करके लाए, जिताए? देखिए, ये तो जनता जान रही है और जनता सोचेगी, जनता समझेगी, जनता के बीच में मैं रहा हूँ, और जनता ही इस बात का फैसला करेगी जनता मुझे वोट क्यों दे। वोट क्यों दे का मतलब ये होता है कि समाज के लिए मैंने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है, लेकिन समाज में हर गलत के खिलाफ आवाज़ मैंने उठाई है, लोगों के दुख में सुख में शामिल रहा हूँ। मतलब ऐसा कोई मुद्दा बताइए जिस पे आवाम का फ़ायदा हुआ? बहुत सारे मुद्दे हैं, राशन की राशन का मुद्दा हो, नाला निर्माण का मुद्दा हो, बहुत सारे इस तरह के मुद्दे हैं। चूँकि पहले मैं जब मुखिया प्रत्याशी के रूप में अपने आप को सामने आ रहा था, और जब कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ हो गए, मुखिया प्रत्याशी में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हो गए, थोड़ी सी परेशानी हुई, तो फिर लोगों के राय मशवरे से लोगों ने हमें कहा कि भाई आप पढ़े लिखे आदमी हैं और ब्लॉक स्तर पर पंचायत का प्रतिनिधित्व कीजिए। तो मैंने फिर अपना क्षेत्र पंचायत समिति में सीमित किया और मैं इस क्षेत्र में हूँ। तो तब मुखिया बनने के बाद भी मैं लोगों के भले के लिए काम करता, मैं आज भी आपसे वादा करता हूँ कि भ्रष्टाचार जो है इसको ख़त्म करना ही मेरा मूल लक्ष्य रहा है, पिछले 10 साल पहले भी, 5 साल पहले भी, और आज भी, और आगे भी रहेगा। मतलब एक मुद्दा तो बताइए जो आवाम के लिए फायदा हुआ हो, एक मुद्दा कोई? बहुत सारा मुद्दा है, आप देख लीजिए, राशन की राशन में जिस तरह से धांधली की जा रही थी उसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई, लोगों को राशन मिला, अनाज की कटौती नहीं हुई। पिछले बार जो मुद्दा हुआ था, आपने भी कवरेज किया होगा, आपने देखा था, जनता से अनाज की कटौती की जा रही थी। जब कोरोना काल में जनता को अनाज दिया जा रहा था, डीलरों के द्वारा फ्री अनाज देना था, गवर्नमेंट ने डबल अनाज देने की बात की थी, उसमें भी कटौती की बात आ गई थी, उसमें भी बहुत सारे लोगों की मिलीभगत थी। तो कहीं ना कहीं हमने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, मामला आगे बढ़ा, बहुत सारा मामला हुआ उसमें, आपने खुद भी कवरेज किया है, देखा है, और मामला पुलिस थाने तक चला गया था, आगे CO साहब के यहाँ मामला गया, MO के पास मामला गया, और उसके बाद हम लोगों के इस एक्शन के बाद लोगों को अनाज पूर्ण रूप से मिला भी, दिया भी गया, तो जनता को कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुँचा इस चीज़ से। बिल्कुल उठाया है मैंने, मैं हमेशा जनता के बीच गया हूँ, और जो लोग हमारे कॉन्टेक्ट में आए, जो लोग हमारे इस कॉन्टेक्ट में आए, उन लोगों के लिए मैंने काम भी किया, प्रयास भी किया, ऐसे लोगों को पैसा नहीं लगा, ऐसे लोग पैसा नहीं दिए, उनको इंदिरा आवास मिला, और बहुत सारे लोग सामने नहीं आए, बहुत सारे लोगों ने पल्ला झाड़ लिया अपना, या कुछ लोग जो नहीं आना चाहते थे सामने कि भाई किससे हम बैर लें, प्रतिनिधि से बैर लें कि हम किसी समाज में रहना है, फिर दूसरा कोई लाभ है उससे हम वंचित हो जाएंगे। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो थोड़ा सा घबराते हैं, डरते नहीं हैं, घबराते हैं, उनको ये लगता है कि हम आवाज़ उठाएंगे गलत के खिलाफ, या हम कुछ बोलेंगे तो हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो हमको किसी दूसरे लाभ से वंचित कर देंगे।
तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जनता को इसी बात के लिए जागरूक करना है कि आपका जो अधिकार है वो आपका है। मतलब आपका कहना ये है कि आपकी आवाज़ उठाने से कई लोगों को आवास योजना फ्री ऑफ कॉस्ट मिला, जो कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है ही। बिल्कुल, सरकार जो पैसा देती है वो जी बिल्कुल देती है लोगों को। मुझे मालूम हुआ, एक दो लोगों का मैंने डीएम के यहाँ भी कंप्लेन दिया, उसकी कॉपी हमारे पास होगी, मैं आपको दे सकता हूँ। तो ऐसे लोगों को फिर पैसा वापस मिला, जिस तरीके से मिला हो लेकिन वापस मिला, उन लोगों को फ़ायदा हुआ। लेकिन जो लोग सामने नहीं आए, कुछ लोगों ने बताया कि मेरा भी पैसा लगा है, लेकिन वो लोग सामने नहीं आए, बिचौलिए के द्वारा पैसा लिया गया। तो ऐसे लोग सामने अगर आते तो मैं उनकी मदद करता, लेकिन वो लोग जो लोग सामने आए उनकी मदद मैंने की है। मतलब आपका एक ही लक्ष्य है, चाहे वो मुखिया उम्मीदवार के रूप में था या फिर अभी पंचायत समिति उम्मीदवार के रूप में, जी करप्शन खत्म कर देना। बिल्कुल, करप्शन को खत्म होना ही चाहिए। खत्म कर देना क्या है, करप्शन चीज ही गलत है। करप्शन होना क्यों चाहिए, जनता को 2 रुपया भी क्यों लगना चाहिए? जब सरकार का आदमी बैठा हुआ हो, पंचायत सेवक को सरकार सैलरी देती है, यहाँ तक कि अब तो मुखिया पंचायत समिति और वार्ड सदस्य को भी सरकार सैलरी दे रही है, भले 500 रुपया देती हो। तो ये जो पद है आपका, ये सेवा का पद है, ये मेवा खाने का पद नहीं है। लोग यहाँ पर आते हैं सेवा भाव से, तो सेवा भाव से अगर आप आते हैं तो आपको सेवा करनी चाहिए, न कि आपको पैसे की उगाही करनी है। तो पैसे की कभी नहीं उगाही होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह से हो, किसी प्रमाण पत्र के लिए हो या किसी भी तरह के काम के लिए हो, चाहे विकलांग का सर्टिफिकेट बनवा देना हो। लोग विकलांग सर्टिफिकेट बनाने के लिए समस्तीपुर मामला है तो कुछ पैसा का डिमांड हो जाता है, कहीं कुछ मामला होता है। अरे भैया, जो भी काम सरकार के यहाँ होता है उसके लिए डॉक्टर बैठे हुए हैं सरकारी, कहीं पैसा नहीं लगता है, सिर्फ आपको सिस्टम से काम करना है, पैसा कहीं नहीं लगेगा। शाहपुर बघौनी की जनता जनार्दन से क्या अपील करना चाहते हैं? शाहपुर बघौनी की जनता जनार्दन से मैं फिर से अपील कर रहा हूँ कि आप एक बार मौका मुझे दीजिए, मुझे जिताइए, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको साथ में ले चलूंगा। अगर कोई भ्रष्टाचारी आदमी है, कोई बिचौलिया है जो आपसे पैसे की डिमांड करता है, आप मुझे कॉल कीजिए, मेरा नंबर हर वक्त लोगों के पास मौजूद है, आप मुझे बताइए, मैं आपको ले चलता हूँ डायरेक्ट जहाँ भी आपका काम है। और आप देखिए कि आपका काम बिना पैसे के, बिना किसी घूस से कैसे होता है। इंडिया की आवाज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।